प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज हमारे युवाओं के लिए वरदान बनकर सामने आई है। आज युवा स्किल ट्रेनिंग के जरिए अपने करियर को बेहतर तरीके से संवार पा रहे हैं, एक कामयाब इंसान बन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अपने आप को रजिस्टर कराकर वो अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब इन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की खास प्रक्रिया क्या है और कैसे हमारे देश के युवा ट्रेनिंग के जरिए सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, आइए देखते हैं हमारे खास सेगमेंट देश बदल रहा है में। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारे देश के युवा हुनरमंद होकर कामयाब बने और देश की तरक्की में सहयोग करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि युवाओं के पास रोजगार हो, लेकिन ये तभी संभव होगा जब युवा हुनरमंद होंगे। इसी के मद्देनजर भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत स्किल इंडिया मिशन चला रही है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में युवाओं को कौशल विकास के कई तरह के प्रशिक्षण राष्ट्रीय मानकों के आधार पर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग देने वाले पार्टनर्स की जिम्मेदारी है कि इन प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी भी मिले। युवाओं को प्रशिक्षण लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि थर्ड पार्टी के जरिए असेसमेंट करने के बाद दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जो बच्चा असेसमेंट में पास करे या ट्रेनिंग कंपनी जब ऐसी ट्रेनिंग दे रही है कि बच्चा असेसमेंट पास कर सके तो उसको फंड्स उपलब्ध हों। पर इसी से असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर असेसमेंट अच्छा नहीं होगा और ये नहीं बता सकता कि कौन स्किल्ड हुआ और कौन स्किल्ड नहीं हुआ, तो जो पूरी गवर्नेंस है स्कीम की वो हट जाती है। तो असेसमेंट का महत्व इसमें बहुत है, और वो ना केवल ये बताता है बच्चे को कि इसकी ट्रेनिंग में वो सफल हुआ है कि ना हुआ है, पर वो क्या इम्प्रूव कर सकता है, और इसी प्रकार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी बताता है कि जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने में असेसमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित युवाओं के स्किल को जांचा जाता है। जब तक कैंडिडेट असेसमेंट टेस्ट पास नहीं कर लेता, वो स्किल सर्टिफिकेट लेने के योग्य नहीं होता है। देश भर में बड़े स्तर पर असेसमेंट टेस्ट कराने की जिम्मेदारी एस्पायरिंग माइंड्स बखूबी निभा रही है, जो कि लगभग 25 से ज्यादा सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ काम कर रही है। जब हम इतने लार्ज नंबर में लोगों को स्किल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे पूरे इंडिया में। हर एक ट्रेनिंग सेंटर को हर एक रीजन में एक ही स्टैंडर्ड पे लाना एक कठिन काम है, लेकिन उस रीजन से जो बच्चे निकलेंगे, दूसरे रीजन से जो बच्चे निकलेंगे, अगर उनको एक ही स्टैंडर्ड पे एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना है, तब हमारे को फिल्टर लगाना पड़ेगा असेसमेंट के टाइम। जो असेसमेंट है वो एक तरह की कॉमन असेसमेंट हो जाएगी, जिसमें ये भेदभाव नहीं होगा कि ये बच्चे को किस ट्रेनिंग पार्टनर ने पढ़ाया। तो असेसमेंट अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो असेसमेंट में पास वही हो पाएगा जिसने वो स्टैंडर्ड तक पहुंचा है। प्रशिक्षित युवाओं का असेसमेंट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होता है। अलग अलग सेक्टर स्किल काउंसिल्स के जरिए 20 से 25 प्रशिक्षित युवाओं के अलग अलग बैच बनाकर उनका असेसमेंट किया जाता है। इस तरह के स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल का खास महत्व होता है, इसलिए असेसमेंट टेस्ट के समय एक असेसर मौजूद रहता है। असेसमेंट के दौरान कई जगह टैबलेट का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि काफी हैंडी होते हैं। इस टेस्ट में विषय की जानकारी के साथ कई और चीजों पर भी खास गौर किया जाता है, जैसे बच्चे का बिहेवियर और सूझबूझ। इसके साथ ही एस्पायरिंग माइंड्स, इंजीनियरिंग और एमबीए करने वाले युवाओं के लिए भी एक खास ऑनलाइन पोर्टल चला रही है, जहां पर युवा खुद को रजिस्टर करके अपना एमकैट असेसमेंट करवाकर कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। एमकैट की वेबसाइट्स पे और भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई भी इंटरव्यू के लिए टेस्ट रहता है, प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एमकैट मॉक एआई भी प्रोवाइड करता है। रिज्यूम बिल्डर एक करके एक फीचर है इसके अंदर, तो उसे भी आप अपना अच्छे से रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो और वो कंपनीज के लिए चले जाते हैं। और ऐसे मेरे को भी एक बार ZS का पता लगा था, तो मैंने ZS के लिए अप्लाई किया और फिर मेरे को जॉब मिल गई ZS के अंदर। इसकी शुरुआत भी एक ऐसी ही स्टडी के बाद हुई, जहां पर ग्रेजुएट हो रहे बच्चों को प्लेसमेंट मिलने में दिक्कतें थीं, और इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक इन बच्चों में उस तरह की स्किल मौजूद नहीं थी जिस तरह की जरूरत इंडस्ट्रीज को रहती है। इसी स्किल गैप को दूर करने के लिए ये पहल खासी कामयाब है।
जहां पर ऑनलाइन पोर्टल पर ही असेसमेंट पास करने वाले बच्चों को जॉब ऑफरिंग भी मिल जाती है। जो बच्चा आज के दिन कॉलेज पढ़ रहा है कहीं भी भारत में, वो एमकैट टेस्ट ले सकता है। एमकैट टेस्ट वो क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि एक, उसको उससे एक डिटेल फीडबैक मिलेगा कि जो मार्केट में जॉब्स हैं उन जॉब्स के लिए वो कितना सक्षम है, क्या वो स्किल्स हैं उसके पास जो जॉब मार्केट को चाहिए। और दूसरा, अगर वो उस टेस्ट में अच्छा करता है तो हम फिर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करते हैं। आज के कंपटीशन के दौर में हर कंपनी को बेहतर और कुशल युवाओं की जरूरत रहती है। ऐसे में एस्पायरिंग माइंड्स जैसी कंपनी की मांग और डिमांड और भी बढ़ जाती है, जो युवाओं का असेसमेंट बेहतर तरीके से करती है ताकि ये अपने करियर को अच्छी तरह से संवार सकें। इट्स स्पेशली वेरी हेल्पफुल फॉर गर्ल्स, क्योंकि हम अगर बाहर से जॉब्स ढूंढने जाएंगे तो वी कैन नॉट बी श्योर कि जॉब ओपनिंग्स कई बार इनऑथेंटिक भी होती हैं, दे कैन बी फ्रॉड। पर एमकैट हमें पता है कि दिस इज ऑथेंटिक एंड जो भी हमें जॉब ओपनिंग्स आ रहे हैं, जो भी मेल्स आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम रियल कंपनीज। कंपनी आज लगभग 2000 से अधिक कंपनियों के लिए असेसमेंट का काम कर रही है। आज हर जगह पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। युवाओं को जरूरत है इस कौशल प्रशिक्षण के महत्व को अच्छी तरह से समझने की और इसका भरपूर लाभ उठाकर अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने की।